यार मैं रेडी हो जाती हूँ फॉर द नवरात्रे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रे। चल पीछे देखो पार्थिति राज, ये बदमाश है बदमाश। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी थी एंड मैंने बहुत सारी रील भी शूट की हैं। सो गाइस हम लोग इतना बड़ा बैग लेके जा रहे हैं। चलो देखो ओए हो कितनी सारी। हर दिन आपको कुछ नया मिलेगा देखने को, ठीक है। सो हे गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है डे 20। ओ माई गॉड हम डे 20 तक पहुंच चुके हैं, मतलब फॉर वन मंथ चैलेंज का था, आज डे 20 है। एंड यस गाइस आज है नवरात्रे का पहला दिन। सो मेरी तरफ से सबसे पहले आप सभी को नवरात्रियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हम लोग ऐसे ही पूरे 9 व्रत रखने वाले हैं, मैंने चैलेंज लिया 9 व्रत रखने का, तो आज उसका फर्स्ट डे है। तो आज यस मेरा फास्ट है गाइस, यस मैं फास्ट कर रही हूँ। तो यस मैंने मतलब फ्रेशन अप हो चुका है, नाश्ता तो करना नहीं है, तो फटाफट से हम लोग होम क्लीनिंग कर लेते हैं। हाँ ठीकू ठीकू बर्थ दी राज बर्थ है और मेरी बेटी। देखो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, एक लड़की तो रेडी भी हो चुकी है ना, हाँ दो के ये देखो फाइनली आपको इसको सूट में देखने को मिले। अरे इधर क्लीन नहीं आ रहा, इधर हो चल पीछे। देखो ये लड़की रेडी हो चुकी है सूट पहन के काफी लंबे अरसे बाद। अब ये वाला सूट क्यों बिगाड़ लिया यार, ये वाला सूट कीर्तन में पहना था, मैं तो सेम ये वाला कीर्तन में पहनूंगी। हाँ ओ माय गॉड नहीं, ये बड़े बड़े लोग हैं गाइस, बड़े बड़े लोग हैं तो ये कीर्तन के लिए नए कपड़े लाएंगे हमारे पास। नहीं नहीं है, हम पुराने ही पहनेंगे बट अच्छा पहनेंगे, ऐसी बात है। मैं नहा लेती हूँ एंड हेड वॉश करना है मुझे, आज मैं रेडी हो जाती हूँ फॉर द नवरात्रे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रे। सो लेट्स क्विक ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, 1 2 3 छपाक छपाक। सो गाइस मैं नहा ली हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ नवरात्रि के लिए, तो चलो फिर फटाफट से चलते हैं मंदिर को डेकोरेट करते हैं एंड पूजा करते हैं, देन थोड़ा बहुत जो भी खाते हैं मुझे नहीं पता, मैं मम्मी से पूछ के फिर खाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने पहली बार व्रत रखा है। तो चलो सबसे पहले मंदिर सजाते हैं चल के, ठीक है। और मैंने वियर किया है ये आज सूट, आप देख सकते हो व्हाइट कलर का पूरा सूट है, बीच में कट है, नीचे पैंट है, पैंट कम प्लाजो ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने हेड वॉश वगैरह सब कर लिया, पूरा फुल एकदम रेडी हो चुकी हूँ। तो फिर चलो, और लिपस्टिक वगैरह मैं नहीं लगाती, मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ यार, जिस दिन पूजा होती है उस दिन मैं मेकअप नहीं करती हूँ, बस लिप बाम लगाई, दैट्स इट। सो गाइज हम लोग मंदिर में आ चुके हैं, आप देख सकते हो मंदिर अभी इस तरीके से हालत में है, अभी मैं इसको क्विकली रेडी करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मारियो सो गाइज फूल माला आ चुकी है, नारियल है यहाँ पे, आम के पत्ते हैं, साथ में फूल हैं जो भी खुले होते हैं, ठीक है। तो अभी मंदिर ये रहा हमारा प्यारा सा मंदिर, पर इसको अभी अच्छे से और डेकोरेट करते हैं, तो चलो फिर से रेडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पे मैं मंदिर की सारी क्लीनिंग कर रही हूँ, जितनी भी तस्वीरें हैं उन सबको साफ करके रख रही हूँ। कितने देने? 3 1 2 और ये 3, ये माता के नीचे बिछाने के कपड़े है ना, लाओ अब बनो लोग ना। आज हमने काना जी को नए कपड़े पहनाए हैं, बिल्कुल नया सेटअप, बस हमारे को ना इनकी कैप नहीं मिली तो इसलिए हमने पिंक वाली कैप लगा दी, तो बाद में ये कर देंगे। और ये रहा हमारा प्यारा सा केदारनाथ, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी माता जी को भी रेडी करना है हमें, मैंने इनको कपड़े पहनाए, पहली बार हमने कपड़े पहनाए माता रानी को। और यहाँ पे चुन्नी, अरे इनका मुंह इसने ढक दिया, बट अभी बस माता रानी को बड़ी वाली चुन्नी मेरे को पहनानी है, बाकी ये फूल माला वगैरह इनको चढ़ानी है, उसके बाद फिर पूरा मंदिर रेडी। और हाँ खेतरी जमानी है, कलश लगाना है नवरात्रों का, ये सब करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज आप लोग सोच रहे होगे ना कि आज मेरा व्लॉग ऐसे कौन शूट कर रहा है, सो मेरा व्लॉग शूट कर रहा है एक प्यार मैंने पूजा कर दी है, आप लोग देख सकते हो मैंने दिया भी जला दिया है, और यहाँ पे हमारा कलश भी सज गया, बस माला की अभी माला आ रही है तो 2 माला भी कम पड़ रही है, उसके बाद हमने खेतरी भी जमा दी है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने अपनी माता रानी को भी सजा दिया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो कृष्ण राधा को भी सजा दिया, सबको सजा दिया मैंने, पूरा मंदिर इतना प्यारा लग रहा है ना, सच्ची में बहुत प्यारा लग रहा है दिल से।
हाँ बस एक टीका लगाना भूल गई मैं, एक सेकेंड बस टीका लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज अब मैंने माता रानी को टीका लगा दिया, मैंने अपने भी टीका लगा दिया, मैंने सबको टीका लगा दिया और अब हम चलते हैं, पूजा हो गई है, लेट्स सी कुछ क्या खाते हैं, मुझे नहीं पता, पूछती हूँ मम्मी से क्या खाते हैं। तो सो गाइज अभी मैं अपने बालों को प्रेस करने जा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो मैं आयन गरम कर रही हूँ यहाँ पे और मैं अपने प्रेस कर लूँगी बालों को क्योंकि मुझे शूट करना है अभी। हाय रब्बा कितना ज़्यादा काम है मेरे पास। और अभी मैंने सिर्फ उसे ज़्यादा कुछ नहीं खाया, सिर्फ दो केले खाए हैं, दैट्स इट, अभी और कुछ भी नहीं खाया, मात्र एक गिलास पानी पिया है, दैट्स इट। और उसके बाद अभी शूट करने जा रही हूँ, अब सीधा शाम को ही खाऊंगी पीऊँगी, अभी तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करा, बट यस थोड़ा थोड़ा वीकनेस लग रही है, बट पहली बार रखा है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही ना ऑब्वियसली, तो कोई बात नहीं हम लोग रखेंगे। मम्मी तो अभी कह रही ध्यान दे नो बट मत रख, सिर्फ पहला और लास्ट रख ले, फिर मर जाएगी, मतलब मैं मरने को मर जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नो के नो बर्थ रखूंगी, मैंने चैलेंज लिया ठीक है यार, क्योंकि एक दो दिन से थोड़ी ना पतली होंगी, पूरे नौ दिन रखूंगी तभी तो पतली होंगी ना, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाऊंगी ना, और ज़्यादा खाना भी नहीं है, कभी पता चले आप लोग बोल रहे हो कि बर्थ नाम का बर्थ रखा है और चिप्स चाप्स ठूस रही हूँ, नहीं चिप्स चाप्स कुछ नहीं ठूस रही मैं, बस नॉर्मली बर्थ रखा है, कुछ नहीं खाया, केले और एक गिलास पानी बस, उसके बाद अब शूट करने जा रही हूँ एंड देन शाम को देखेंगे, फिर जब तक शाम तक ही मेरा शूट निपटेगा क्योंकि शूट बहुत ज़्यादा बड़ा शूट है, तो वो करके देन उसके बाद फ्री होके तब मैं आप लोगों से मिलूंगी। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी थी एंड मैंने बहुत सारी रील भी शूट की हैं, तो आप जाके वो इंस्टाग्राम पे चेक करो, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको जो स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो मस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो वो मैं आपको ब्लॉग में थोड़ा सा क्लिप जरूर दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं आपको दिखा पाऊँ, तो लेट्स गो फटाफट से पैकअप कर लेते हैं क्योंकि हमारा रील शूट हो गया है, डन। सो गाइज हम लोग इतना बड़ा बैग लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हो इतना सारा सामान है, क्या सामान लेके आ जा। सो गाइज हमारी धन्नो रेडी हो गई है और हम लोग जा रहे हैं धन्नो पे बैठ के, ब्रूम 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 ब्रूम, ये देखो ये आ रही है, देखो कैसे बाप रे, इतनी भीड़, ओ माय गॉड, इन्हीं को दे दे, इन्हीं को दे दे, दे दे, दे दे किस। So guys, मैं बनाने जा रही हूँ अभी आलू, मतलब जो उबले हुए आलू होते हैं ना, तो बर्थ के लिए मैं वही बनाने जा रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये रहे हमारे आलू, मैंने अभी उबलने के लिए रख दिए, अभी बनाएंगे इनको काट के और उसको दही के साथ खाते हैं, दैट्स इट, हमारा बर्थ उससे खुल जाएगा क्योंकि मैंने नौ बर्थ तो नौ दिन पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून, और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ क्योंकि 7 बज गए, 7 बजे पूजा कर लेते हैं, तो पहले पूजा कर लेते हैं फिर हम खाने में लगेंगे, ठीक है। सो गाइज़ फाइनली मैं आ गई मंदिर पे और मैं करने जा रही हूँ शाम वाली पूजा, क्योंकि बर्थ खोलने से पहले पूजा की जाती है, सो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ मंदिर में, आप पूजा करके देन आपसे मिलती हूँ। कौन लाया जेली? पापा। दिखाओ जेली, दिखाओ फिर हाथ में ऐसे करके दिखाओ, ऊपर करके दिखाओ, ऊपर ऐसे लटका के ऐसे, ओ वाओ दिखाओ, ओए हो कितनी सॉरी, ओ भाई आज तो जेली जेली आ गई। सो गाइज मैंने यहाँ पे मिर्ची चॉप कर ली है, 5 से 6 मिर्च, और यहाँ पे आलू उबल चुके हैं, बस अभी इन्हें निकाले जा रहे हैं और छीलने जा रहे हैं, तो जैसे ही छील के एंड देन फिर मैं इसके छोका लगाती हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने देखो आलू उबाल के, अब इसको बस कट करना है 2-4 पीस में, और उसके बाद अभी जीरा ले लिया थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे 5 से 6 मिर्च ले ली मैंने, और यहाँ पे मैंने ये काली मिर्च भी कूट के ले ली है, ये देख सकते हो आप। सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैंने इसको छोटे 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 पीसेस में काट लिया, मतलब एक आलू को सिर्फ 4 भाग में काटा है मैंने, तो इस तरीके से आप काट सकते हो। 2 चम्मच इसमें घी डाला है एंड उसके बाद हम जीरा डालेंगे, जीरे के बाद मिर्च, मिर्च के बाद आलू, आलू के ऊपर हमने कुटी हुई मिर्च डालनी है, और हमारी रेसिपी रेडी। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ भोग लगाने माता रानी को, तो हम लोग भोग लगाते हैं। हमारा डिनर बन चुका है, सो यहाँ पे आलू है जो मैंने मतलब सॉटे किया है एंड प्लस दही लिए, एंड यस गाइस हमारा आज का नवरात्रों का बर्थ खोलने का खाना, हर दिन आपको कुछ नया मिलेगा देखने को, ठीक है, एंड मेरे शॉर्ट्स देखना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि शॉर्ट्स में आपको इसकी रेसिपी भी देखने को मिलेगी, ठीक है, साथ साथ। और ये देखो ये कीर्तन के लिए बात करें, क्या हुआ, कहाँ लगी चोट, दर्द हो रहा, अभी आपने दवाई खाई थी ना, इसको ना ट्रिकी ने धक्का दे दिया और इसके यहाँ चोट लग गई, देखो चल कोई नहीं ठीक हो जाएगी, है ना, तो ठीक हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, ठीक हो जाएगी, किसने मारा, ट्रिकी ने, मुझे मारा ट्रिकी ने, किसने भेजा पता नहीं, ट्रिकी किसने भेजा, इसने भेजा ट्रिकी, देख इस लड़की ने भेजा ट्रिकी,
हाँ इन्हें भेजा, मार 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 इसको मार, इसने पैर हाथ तोड़वाया ना। तो गाइस चलो मैं डिनर कर लेती हूँ और आज का व्लॉग सिर्फ यहीं तक। अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉलेज टाइम। ऐसे सच मोर ब्लॉग देखने को मिलते हैं फिर कल वाले ब्लॉग में। लव यू ऑल।